पिपरोवा नहर में बहा बालक, सूचना पर कलेक्टर संदीप माकिन पहुंचे घटनास्थल। जाम लगा रहे ग्रामीणों को समझाया कलेक्टर ने। एनडीआरएफ की टीम को बालक खोजते नहर में उतारा। शौच करते समय 10 वर्षीय बालक के नहर में बहने की जानकारी प्राप्त हुई है। बालक के नहर में बहने की खबर मिलते ही पिपरा उआ के ग्रामीण और बालक के परिजन नहर की ओर भागे। कुछ ग्रामीणों ने नहर में उतरकर बालक को खोजने की कोशिश की, लेकिन नहर में पानी का तेज बहाव होने से ग्रामीण बालक को खोजने में असफल रहे। थाना थरे क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। कलेक्टर ने बताया कि बालक का नाम राजपुत्र सुखलाल कुशवाहा, उम्र 10 वर्ष, निवासी पिपरा उआ, थाना क्षेत्र थरेट है। पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार बालक के परिजन बस स्टैंड के आसपास ही मकान का निर्माण करा रहे हैं। उसी निर्माण को देखने बालक राजपुर बस स्टैंड पिपरा उआ आ रहा था, तभी उसे शौच लगी और वह पास ही नहर के पास शौच करने लगा। संभवतः शौच के दौरान ही वह नहर में फिसल गया। नहर में तेज पानी का बहाव होने से बालक नहर में बह गया। ग्रामीणों ने नहर का पानी कम करने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को सूचना भी दी। ग्रामीणजनों ने सिंचाई विभाग की लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम में एम्बुलेंस सहित यात्री वाहन सहित सैकड़ों वाहन घंटों जाम में फंसे रहे। बालक के नहर में डूबने से नाराज ग्रामीणों द्वारा सड़क पर जाम लगाने की सूचना मिलने पर जाम स्थल पर कलेक्टर संदीप माकिन, प्रभारी पुलिस अधीक्षक सुनील शिवहरे, भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र विधोलिया, विधायक प्रदीप अग्रवाल, सेवड़ा एसडीओपी अखिलेश पुरी गोस्वामी, नहर निरीक्षक इंदरगढ़ उपेंद्र दुबे, भव आपुरा थाना प्रभारी सुबरन सिंह तोमर, थरेड थाना प्रभारी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंच गए, जिसे संवेदनशील कलेक्टर संदीप माकिन को जैसे ही बालक के नहर में बहने की जानकारी मिली तो कलेक्टर संदीप माकिन ने अपने साथी शासकीय आवश्यक कार्य छोड़कर दतिया से तत्काल घटनास्थल पर रवाना हुए। इस दौरान उनके साथ प्रभारी पुलिस अधीक्षक सुनील शिवहरे भी साथ थे। सूचना मिलते ही मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश बुधोलिया भी पहुंच गए। जिलाध्यक्ष ने जिले वरिष्ठ अधिकारियों को दूरभाष पर घटना की जानकारी दी और नहर में डूबे बालक को खोजने के लिए जल्द कार्यवाही करने मांग की। साथ ही शीघ्र ही जल के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया। कलेक्टर ने ग्रामीणों को समझाया और जाम को खोलने के लिए कहा। सभी ग्रामीणों ने कलेक्टर संदीप माकिन की बात मानते हुए जाम खोल दिया। खबर लिखे जाने तक एनडीआरएफ की टीम के जवान नहर के बालक की खोज जारी किए हुए हैं। बच्चे का कोई पता नहीं चल रहा, नदी में प्रेशर बहुत था, फुल पीक पे नहर चल रही थी, तो मैंने उनको समझाया और हम सब ने, प्रशासन ने, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, हम सब ने मिल के उसको मनाया। और क्योंकि जाम से जो आम जन को परेशानी हो रही थी, जाम खुलवाया और प्रशासन की पूरी टीम, सारे गोताखोर हमारे जिले के लगे हुए हैं। कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन हमने मुरैना से और ग्वालियर से भी गोताखोर बुलवाए हैं। बहुत जल्द हम लोगों को सफलता मिलेगी।